कोने कोने से आए हुए यहाँ उपस्थित सभी माननीय बुजुर्गों, माताएं बहने, नौजवान दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित हमारे जोनल प्रभारी अरविंदर त्यागी जी और भगवानपुर विधानसभा के अंदर उत्तराखंड में नव परिवर्तन की मसाल को लेकर के आज गांव गांव में, कस्बे कस्बे में अलग जगाने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम सिंह जी। साथियों, उत्तराखंड के अंदर चुनाव का संक्रमण हो चुका है। 14 फरवरी को अगले 5 साल के लिए उत्तराखंड का भविष्य तय होने वाला है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर पहली बार चुनाव हो रहा हो ऐसी बात नहीं है। उत्तराखंड वाले पिछले 21 साल से जब जब चुनाव हो रहा है, हर बार वोट देते हैं, हर बार सरकार बनाते हैं, लेकिन हर बार अपने आप को खाली पाते हैं। हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के गुलामी के अंदर देश लंबे समय तक रहा। इस देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। क्या सपना था वो? अंग्रेजों के राज से लोगों को क्या परेशानी थी? अंग्रेजों के राज से सबसे बड़ी जो परेशानी थी कि हमारे देश का विकास, हमारे देश के लोगों का मान सम्मान, हमारे देश के लोगों का काम लगातार धीरे धीरे पिछड़ रहा। लेकिन आजादी में इतनी लंबी कुर्बानी के बाद जो आजादी मिली, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। आजादी के बाद भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तराखंड का समग्र विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ, इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने आंदोलन के माध्यम से उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना काम आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले 21 साल से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के अंदर केवल 2 पार्टियों की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार बनी। 5 साल में जब कुछ नहीं किया, लोगों ने बदल दिया, भाजपा की सरकार बनाई। भाजपा ने काम नहीं किया, फिर कांग्रेस की बनाई। कांग्रेस ने काम नहीं किया, फिर भाजपा की बनाई। कभी चित कभी पट, कभी चित कभी पट, उसके अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। उत्तराखंड में कभी बहुजन समाज पार्टी नहीं, कभी समाजवादी पार्टी, कुछ इलाके में बहुजन समाज पार्टी ने दावेदारी की, कुछ इलाके में समाजवादी पार्टी ने दावेदारी की, कुछ इलाके में उत्तराखंड क्रांति दल ने दावेदारी की, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को पहाड़ से लेकर के मैदान तक, गंगोत्री से लेकर खटीमा तक, भगवानपुर से लेकर थौरागढ़, एक साथ कोई मजबूत नहीं विकल्प मिला। अब तक उत्तराखंड के अंदर मैं कहता हूं बी और सी की लड़ाई चल रही थी। बी मतलब भारतीय जनता पार्टी और सी मतलब कांग्रेस पार्टी। बी बनाया फिर नाराज हुए, सी बना दिया, सी बनाया फिर मजबूरी में बी को आना पड़ा, बी से नाराज हुए फिर सी को हुआ। 21 साल से उत्तराखंड के लोग ए का इंतजार कर रहे थे, बी और सी तो है बट ए कब आएगा। पहली बार 21 साल बाद इस बार पहली बार उत्तराखंड के अंदर ए बी और सी की लड़ाई हो रही है, कराने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं 5 साल बेमिसाल, 5 साल बेमिसाल, 5 साल बेमिसाल। एक बार अगर आए कोई भाजपा का तो पूछना जरा बैठा के चाहे वो बिठा के, भाई साहब अगर 5 साल चलो एक बदल दिया, दूसरा उससे भी बेहतर काम किया। एक को तो 4 साल में बदला, एक को 4 महीने में बदल दिया। उनको पता था कि पहला 4 साल में जो काम
पढ़ते हो, आखिर क्या वजह है? 5 साल आपका मुख्यमंत्री काम क्यों नहीं कर पाया? बेमिसाल था। इसका मतलब कि आपका काम बेमिसाल नहीं था। आप खुद मानते थे, इसलिए मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री बदलते रहे। भाजपा मुख्यमंत्री बदलती रहे। कांग्रेस के जो सीएम के दावेदार है अघोषित, उन्होंने अपने आप घोषित किया हुआ है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उनको सीटी बदलनी पड़ गई, भाजपा को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। हरीश रावत जी को पूरी पार्टी ने पहले घोषित किया कि वो रामनगर से चुनाव लड़े, 3 दिन भी नहीं छाड़ पाए। अरे घोषित करने से पहले ही सबसे बात कर ली है उनसे। 3 दिन पहले घोषित हुए रामनगर से लड़ेंगे, आज पता चला कि लाल कुआं से लड़ रहे। ये तो सरकार बनने के बाद बदल रहे थे। कांग्रेस को चुनाव से पहले ही सीट बदल रही है, सरकार बनने के क्या होगा इसको भगवान ही जाने। इन दोनों पार्टियों को उत्तराखंड के लोगों की चिंता नहीं है। इन दोनों पार्टियों में लड़ाई चल रही है कि हमारे बेटे को कहां से टिकट मिलेगा, हमारे बेटे को कहां से टिकट मिलेगा। भगवानपुर में लड़ाई चल रही है कि भाई विधायक बनना चाहिए तो हमारे प्रताप से ही बनना चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो जाए। लेकिन उत्तराखंड में परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है। इस उत्तराखंड के अंदर इस ठंड के महीने में एक साइलेंट क्रांति चल रही है। चुपचाप एक दूसरे से दूसरे के पास एक आवाज गूंज रही है कि सबको देखा माता और झाड़ू चलेगी। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर 5 साल में काम करके दिखाया है, उसकी खुशबू उत्तराखंड तक पहुंची हुई है। उत्तराखंड के लोग कोई न कोई जान पहचान का, परिवार का, दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, वो आकर के बताते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर कैसे लोगों को बिजली की सुविधा मिल रही है, पानी की सुविधा मिल रही है, कैसे स्कूल ठीक हो रहे हैं, कैसे अस्पताल ठीक हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी परिवार, कोई भी माँ बाप हो, उसकी सबसे पहली चिंता होती है कि उसके घर में जो बच्चा आया उसको हम सबसे बेहतरीन पढ़ाई कराएं, जिससे कि हमारा जो कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन हमारी औलाद आगे बढ़े, तरक्की करे और हमारे खानदान का नाम रोशन करे। हर माँ बाप का ये चिंता होती है। पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल बने, आज पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों की क्या हालत है आप जानते हो? पूरे देश के अंदर आज सरकारी स्कूलों से जिसके पास भी थोड़ा पैसा आता है, सबसे पहले अपने बच्चे का नाम सरकारी स्कूल से कटवाता है, प्राइवेट स्कूल में लिखवाता है। होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? क्यों होता है? आजकल तो जो सरकारी स्कूल के हेडमास्टर भी है, मास्टर भी है, वो भी अपने घर के बेटे बेटियों का एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं कराते, जबकि वही पढ़ाते, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाएंगे तो उसका भविष्य बेकार हो जाएगा। 5 साल मौका मिला दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को सरकार चलाने का। 5 साल के अंदर आज दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा क्रांति के माध्यम से सरकारी स्कूलों को पायाप्लट किया है। हमें इस बात का फख्र है कि जहां पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल से बच्चों का नाम कटवा करके प्राइवेट में लिखवाया जा रहा है, देश का एक राज्य ऐसा है जहां प्राइवेट स्कूल नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में लिखवा रहा है। पिछले 4 साल से लगातार प्राइवेट स्कूलों में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल सब जो जहां लाख लाख, दो दो लाख, चार चार लाख की फीस है, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर रिजल्ट आज सरकारी स्कूल के बच्चे लेकर के आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। इसलिए आम आदमी पार्टी, अगर दिल्ली के स्कूल ठीक हो सकते हैं तो उत्तराखंड के स्कूल ठीक हो सकते हैं। अगर दिल्ली का मोहल्ला ठीक हो सकता है तो उत्तराखंड ठीक हो सकता है। अगर दिल्ली के अस्पताल ठीक हो सकते हैं तो उत्तराखंड के भी ठीक हो सकते हैं। अगर दिल्ली के अंदर बिजली लोगों को मिल सकती है फ्री में 24 घंटे, तो उत्तराखंड के लोगों को भी मिल सकती है। आज उत्तराखंड के लोग बिजली पैदा करते हैं, दिल्ली वाले खरीदते हैं,
बिजली बिजली नहीं करती, हम सारी बिजली बाहर से खरीदते हैं और फिर भी 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन जो लोग 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं उनका बिजली का बिल नहीं का। उत्तराखंड के अंदर बिजली पैदा होती है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दूसरी की तरह उत्तराखंड में सरकार बनाओ, बिजली 24 घंटे आएगी चाहे गांव होगा कस्बा, लेकिन 300 यूनिट जो बिजली खर्च करेगा उसका बिजली का बिल नहीं आएगा। हमने कहा कि महिलाओं को, जो भी महिलाएं हैं उनके सम्मान के लिए 1,000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। हमने कहा नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार जब तक नहीं है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जो सैनिक है, पुलिस के जवान है, जो देश के लिए समाज के लिए शहीद होते हैं, जैसे हम दिल्ली में उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं, उत्तराखंड में दिया जाएगा। हमने कहा यहाँ के स्कूल ठीक होंगे, अस्पताल ठीक होंगे। तो कांग्रेस भाजपा के लोग कह रहे इतना घोषणा कर रहे हो, पैसा कहां से? आप जाते होंगे ना गांव में, तो सब जगह कांग्रेस भाजपा के लोग मिलते हैं, इतनी बात पूछते हैं, और बिजली फ्री दोगे, बेरोजगारी भत्ता दोगे, महिलाओं को पैसा दोगे, स्कूल बनाओगे, अस्पताल बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, पैसा कहां से आया? जहां से पैसा दिल्ली में आया वही तरह से पैसा उत्तराखंड में आया। दिल्ली में पैसा कैसे आया? अभी उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड सरकार के खजाने में 57,000 करोड़ रुपया आता है, इससे सारा काम होता है। जो आप देखते हैं कितना पैसा आता है, 57,000 करोड़। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी तो केवल 30,000 करोड़ रुपया आता था। कितना आता था? 30,000। फिर हमने क्या किया? हमने दिल्ली वालों का टैक्स नहीं बढ़ाया 1 रुपया। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 1 रुपया हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। फिर हमने क्या किया? जितना पैसा जनता का टैक्स के रूप में आता था वो थोड़ा नेता, थोड़ा अधिकारी, थोड़ा ठेकेदार, थोड़ा दलाल, थोड़ा चमचे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर प्रसाद की तरफ हटता था। हमने जितने बेईमानी के चोर दरवाजे थे, खिड़की थे, जितने दराज थे, छेद थे, सबके बंद करवा एक चिपका दी। तो क्या हुआ जानते हो? बिना टैक्स बढ़ाए 30,000 करोड़ रुपया जो सरकार के खजाने में आता था बेईमानी पर लगाम लगा करके दिल्ली का बजट हमें 60,000 करोड़ रुपया बढ़ा। अब इसका फायदा क्या हुआ? 30,000 करोड़ जो पहले आता था उससे पहले जो सरकारें काम करती थी हम वो सारा काम करते हैं। लेकिन जो ये 30,000 करोड़ रुपया जनता के जेब से तो आता था पहले भी, लेकिन पहले जनता के जेब से आता था वो नेता अफसर ठेकेदार के जेब में जाता था, वो हमने रोक लगा दिया। तो वो पैसा जितना जेब बेईमानी में जाता था वो पैसा सरकार के खजाने में आया। जो एक्स्ट्रा 30,000 करोड़ आया है उससे बिजली फ्री हो रही है, पानी फ्री हो रहा है, स्कूल चमक रहे, अस्पताल बन रहे हैं, जो सारा काम आप देखते हो बेईमानी का पैसा रोक दिया है। हमारे पास देखो जी, हमारे पास यही चाबी है जो कांग्रेस भाजपा वालों के पास नहीं है। आपने 21 साल में अगले 100 साल तक सरकार बना दो कांग्रेस भाजपा के, कभी वो काम नहीं कर पाएंगे जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो चोर दरवाजे कभी बंद नहीं करेंगे। उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद आप प्रेम सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति को आप विधायक बना करके भेजो, उत्तराखंड में हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, सारे बेईमानी के चोर दरवाजे बंद करके दिखाएंगे। आज जो 57,000 करोड़ का बजट है उत्तराखंड के अंदर भी डबल करेंगे, और डबल करने के बाद जो जो गारंटी दी जा रही है सारी गारंटी उत्तराखंड के अंदर पूरा करेंगे। दूसरी बात क्या कह रहे हैं जी? कहते हैं जी थोड़े तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं यार केजरीवाल तो सब फ्री 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 कर रहा। इतना फ्री फ्री मिलेगा पब्लिक को तो पब्लिक तो निकम्मी हो जाएगी, कौन काम करेगा?
इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अभी हमने कहा कि भाई उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री में पब्लिक को दी जाएगी। आप जानते हो अभी जो उत्तराखंड के अंदर गहरे बजट कम है, उत्तराखंड के अंदर चाहे कांग्रेस का मंत्री बने कोई चाहे भाजपा का बने, हर महीने एक मंत्री को कितना बिजली फ्री में मिलती होगी आपको अंदाजा है? 600 यूनिट, 1200 यूनिट, 2400 यूनिट, 3000 यूनिट, 3000 यूनिट। उत्तराखंड का मंत्री चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो, हर महीने 3000 यूनिट बिजली फ्री में लेता है सरकार से, वो निकम्मा नहीं होता। और पब्लिक को 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी तो वो निकम्मी हो जाएगी। अरे अगर 300 यूनिट लेने वाले निकम्मे हो जाएंगे तो जो 3000 ले रहे हैं वो कितने बड़े निकम्मे होंगे भाई। आज तक नेता लेते रहे फ्री में बिजली, किसी ने नहीं पूछा बजट का लेखा लिखा, अब पब्लिक को दे देने की बात आए तो कह रहे हैं कि निकम्मी हो जाएगी, खजाना खाली हो जाएगा। हमने करके दिखाया है दिल्ली। आपको मैं कहना चाहता हूं देश का पहला राज्य है जो राज्य का बजट घाटे में नहीं है। इसलिए नहीं कि पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, इसलिए कि जो बेईमानी हो रही थी उसको हमने बंद किया। इसलिए उत्तराखंड के लोगों से हम कह रहे हैं ईमानदार सरकार बनाओगे तो आपके लिए काम करने का आधार खुलेगा। हम इसलिए कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कहती है हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए। कौन सी राजनीति बदलने आए? आप वोट देते हो तो सरकार बनती है नहीं? प्रेम सिंह जी 14 तारीख को बटन दबाएंगे तो कितना वोट गिना जाएगा है? कितना गिना जाएगा? प्रेम सिंह जी बटन दबाएंगे तो कितना गिनका वोट गिना जाएगा? एक। आप सब लोग बटन दबाओगे तो वोट कितना गिना जाएगा? एक। कोई रिक्शा चलाने वाला बटन दबाएगा तब भी गिना जाएगा एक। कोई किसान बटन दबाएगा तब भी गिना जाएगा एक। तो जनता वोट देती है तो सरकार बनती है, और जनता टैक्स के रूप में नोट देती है तो सरकार चलती है। 5 साल में सीना चौड़ा करके बड़ी बड़ी गाड़ी बड़े बड़े बंगले जो बनाते हैं ये अपने पैसे से नहीं बनाते। आम आदमी पार्टी का यही मिशन है कि अगर आम आदमी के वोट से सरकार बनती है, उसके नोट से सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद काम भी सरकार को आम आदमी के लिए करना पड़ेगा। इसलिए हमारा नारा है कि वोट हमारा नोट हमारा, इसलिए काम भी हमारा होना चाहिए। कुछ लोग आप लोग जा रहे होंगे तो कह रहे होंगे देखो कि आम आदमी पार्टी तो पहली बार आई है, अभी सरकार तो बनने नहीं, तो एक विधायक जिता देंगे तो क्या फायदा होगा? एक विधायक जिताओगे एक रोल मॉडल बनेगा। भगवानपुर का विधायक जैसे दिल्ली की सरकार बनाई, दिल्ली वालों ने आज पूरे देश के लिए रोल मॉडल बना है। भगवानपुर में तख्ता पलट करोगे पूरे उत्तराखंड के अंदर भगवानपुर एक रोल मॉडल बनेगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहां बैठे हुए साथी उनके मन में भी है यार उत्तराखंड में तो अभी पहली बार नई पार्टी आई है, आपस में चर्चा करते हैं, मेहनत तो करो। प्रेम सिंह जी अच्छे आदमी,
केजरीवाल भी अच्छा है, लेकिन देखो अभी वो पार्टी नई नई है। इस बार मेहनत करो, अगली बार जरूर सफलता मिलेगी। कहते इस बार मेहनत करो, सफलता अगली बार मिलेगी। बोले क्यों जी? बोलते हैं अभी नई नई पार्टी है, अभी झाड़ू वाले नए नए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोगों के घरों में झाड़ू नजर आप ऊपर करना, जिसके जिसके घर में झाड़ू आप ऊपर करना घर में है जी? आप लोगों के घरों में झाड़ू कब से है? आपके दादा के जमाने में झाड़ू खाया नहीं था घर में? उनके दादा के जमाने में झाड़ू खाया नहीं था? उनके दादा के जमाने में झाड़ू खाया नहीं था? तो झाड़ू वाले पुराने हो या पंजाब फूल वाले पुराने हो, बहुत पुराना है झाड़ू वाले। इसलिए आज इसके बाद अगर कोई कहे झाड़ू वाले हैं, उसे कहना खानदानी झाड़ू वाले हैं। मान लिया है? अरे अब तक बस अपना था कि अपने घर में चलाते थे। जब जब झाड़ू चलती है गंदगी साफ होती आने वाली है, होती आने वाली है। झाड़ू 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 तो आजमाया हुआ है नहीं आजमाया? कहीं भी शादी ब्याह में हम जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, दो दिन तीन दिन चार दिन हो जाता है, घर लौटते हैं, सबसे पहले क्या टूटते हो? झाड़ू। क्यों? क्योंकि झाड़ू से ही गंदगी साफ हो सकती है और जो साफ नहीं कर सकता। इसलिए इस बार उत्तराखंड के अंदर जो ये राजनीति के अंदर गंदगी है उसके साफ करने के लिए हमें झाड़ू उठाना है। और मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो झाड़ू अभियान है उत्तराखंड के अंदर बदलाव परिवर्तन का अभियान है, इसके लिए जरूरी है आप चुनाव जीतोगे। लेकिन एक ही आपसे वादा लेने आया हूं, चुनाव प्रेम सिंह जी केवल नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब स्कूल अच्छा होगा तो बच्चे का आपका भविष्य बनेगा, अस्पताल अच्छा होगा आपको इलाज होगा, बिजली फ्री मिलेगी आपको मिलेगी, पानी मिलेगा आपको मिलेगा। जब सारा काम आपका होगा तो चुनाव भी आपको प्रेम सिंह करके लड़ना पड़ेगा। प्रेम सिंह बनना है, 15 दिन समय बचा है। आप जाओगे कई जगह, मैं अभी गया, लोगों ने कहा कि हमारे यहां प्रेम सिंह जी अभी तक नहीं आए, हम तो झाड़ू फोड़ देने वाले। इतने कम समय में अब सब जगह प्रेम सिंह नहीं पहुंच सकते, इसलिए घर घर जाता है, लोगों को कहता है मैं प्रेम सिंह हूं, झाड़ू चुनाव लड़ रहा है, झाड़ू तुम्हारे घर में भी है, झाड़ू हमारे हाथ में भी है, चुनाव झाड़ू को लड़ना है। और इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आज से 15 दिन के लिए ठान लो, जो लोग नौकरी चाकरी काम धंधा करते हैं थोड़ा समय निकालो सुबह शाम का, अपने अपने इलाके में अपने अपने बूथ पर हमें जीत करके आना। एक कंपटीशन शुरू करना है, पॉजिटिव कंपटीशन। आज मैं ये चैलेंज लेकर जा रहा हूं, चुनाव के बाद जब गिनती होती है तो हर बूथ की गिनती होती है, यहां हमारे बूथ के कार्यकर्ता सारे बैठे हुए हैं, पोलिंग स्टेशन के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। मैं आज प्रेम सिंह जी से कह के जा रहा हूं, चुनाव के बाद फिर इसी हाल में सारे कार्यकर्ताओं को बुलाना, और जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा वहां के कार्यकर्ताओं को इस मंच से खड़ा करके सम्मानित करने का काम करना। तो इसलिए आज से अपना बूथ संभालो, अपने बूथ पर सबसे ज्यादा वोट से जीत दिलाने के लिए अपना दिमाग लगाओ, अपने टीम पर आओ। सुबह किसके घर जाना है, शाम को किसके घर जाना है, कांटा चाची भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बसपा के हो, पार्टी किसी की हो, सबके घर जाओ, हाथ जोड़ करके एक बात समझाओ, सबको देखा मारना प्रेम सिंह जी अपना।
तो आज मैं आप सभी लोगों को अग्रिम बधाई देने आया हूं। पूरे उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है, लेकिन इतने लोग प्रेम सिंह बन के चुनाव लड़ेंगे तो पूरे उत्तराखंड के अंदर हमें नंबर वन भगवान की जीत मिलने आना चाहिए। जब जीत हो तो टीवी पे चलना चाहिए कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक का नाम क्या है। इसलिए हमें अब आज से मिशन को शुरू करना है। आपस में किससे पटती है, किसका कौन नाराज है, कौन खुश है, कौन क्या है, ये 14 के बाद अभी अपने मिशन पे लगो। अपने बूथ पर, अपने पोलिंग स्टेशन पर जीत करके दिखाओ। विधानसभा के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाओ और उत्तराखंड के अंदर भगवानपुर का रिकॉर्ड बनाओ। इस मिशन के साथ हमें काम करना है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, भगवानपुर के अंदर दो खानदानों की लड़ाई चल रही। एक खानदान से तीन लोग लड़ रहे जो खास लोगों का खानदान है, और दूसरा खानदान आम आदमी का है, जिससे एक कैंडिडेट है जिसका नाम है प्रेम सिंह। इसका खास खानदान और आम लोगों के खानदान के बीच में लड़ाई है। जब जब लड़ाई हुई है, जीत सत्य की हुई है, आम आदमी की हुई है, और भगवानपुर में भी मान लाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप सब लोगों को अगले पढ़ाई देते हुए अब मैं बातचीत को अगले पड़ाव की तरफ ले जाऊंगा। जैसा मैंने कहा कि आज से आपको मोर्चा संभालना है। आप गांव गांव जाओगे, बस्ती बस्ती जाओगे, मोहल्ले में जाओगे तो आपसे लोग सवाल पूछेंगे। तो आप में से अगर कोई ऐसा सवाल जो आपसे कोई पूछता है, मैंने जो बातचीत रखी उसमें उसका जवाब नहीं मिला, तो माइक में आपको दिलवाना चाहूंगा। कोई भी साथी हाथ ऊपर करके मुझसे सवाल पूछ सकता है। सवाल जवाब के सत्र के बाद परिचय सत्र में करूंगा। जितने हमारे सेक्टर के अध्यक्ष हैं वो एक एक करके खड़ा होंगे, और फिर जो अपने पोलिंग स्टेशन इंचार्ज का परिचय कराएंगे, और फिर मीटिंग समाप्त होगी। तो परिचय से पहले प्रश्न उत्तर का सत्र है। आप में से कोई भी खड़ा होकर के मुझसे कोई सवाल पूछ सकता है। जिसको भी सवाल पूछना है वो अपनी जगह बैठा है और हाथ उठाए। किसी जगह में कोई सवाल अभी तक इसका उत्तर ना मिला हो, आप पूछ सकते हैं मुझसे। जो जवाब आपको जाके देना है, अपने गांव में, अपने ताऊ को, चाचा को, घर वालों को, मोहल्ले वालों को। नमस्कार सर जी, वैसे सवाल तो मेरा नहीं है, लेकिन मैं एक पूछ लेता हूँ। कुछ लोगों के मन में शायद बहन हो या किस बात का ये डर हो कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए या यहाँ से जो प्रदेश की विधायक बन जाए, तो अगर किसी के भी मन में ये डर बैठा हो, जरा थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि विधायक अगर यहाँ से बन जाए तो जो हम मुद्दे लेके लोगों के सामने जा रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है, तो उन मुद्दों पर हमारे विधायक जी कितना खड़ा कर पाएंगे। देखो जी, सारी बात की एक बात, मैं आपसे गारंटी मांग रहा हूं कि इस बार विधायक को जिताऊ। मैं आपसे ये भी कहने जा रहा हूं कि अगर 5 साल में विधायक जी तो खड़े उतरेंगे और नहीं उतरते हैं तो जितने ज्यादा वोट से इस बार जिताना, अगली बार उतने ज्यादा वोट से जमानत जब्त करा देना। हम छोड़ेंगे नहीं, अगर ये काम नहीं करेंगे पार्टी करेंगे। क्योंकि अब जब आप प्रेम सिंह बन के चुनाव लड़ोगे तो आपके साथ इनको भी उसी तरह से जैसे आप लगे हो लगना पड़ेगा, और मुझे इस बात का भरोसा है जो इनका अनुभव है वो हमें काम आएगा। जो इनकी ईमानदारी है, जिस तरह की जनता के बीच में एक आम आदमी की तरह रहते हैं, जैसा इन्होंने कहा या इनके जिंदगी में कोई सपना नहीं है, एक ही सपना है, जनता के लिए जीना और जनता के लिए मरना। तो मुझे भरोसा है कि वोट के मामले में भी भगवानपुर रिकॉर्ड तोड़ेगा और काम के मामले में भी 5 साल में भगवानपुर रिकॉर्ड तोड़ करके दिखाएगा लोगों को। और कोई सवाल हो किसी का? हां जी पूछ लो।
देखो ये आम आदमी पार्टी है, यहाँ माइक दिया जाता है, कांग्रेस भाजपा में माइक बोलने पर छीन दिया जाता है, इसलिए इसका फायदा उठाओ। हाँ जी, आज नहीं तो कल होगा और मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा और मुश्किल का हल होगा, आप कहे हमारी केजरीवाल सरकार पर विश्वास तो हर मुश्किल का हल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। सवाल नहीं है कोई, चलो शुक्रिया। सवाल किसी का है? लास्ट नहीं है तो आप सवाल नहीं है तो आप लोग आज से मुझे सवाल लेना, हर पोलिंग स्टेशन पे हर बूथ पे आपने टीम बनाना है। देखो अभी कोविड का समय है, कोरोना का, इसलिए प्रचार में प्रतिबंध है। आज हम यहाँ हजारों की रैली कर सकते थे लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिबंध है, इसलिए एक ही रास्ता है डोर टू डोर कैंपेन। तो आपको टीम बना करके जो बातें मैंने आपको समझाई